बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैद बिन उमरू बिन नुफ़ैल की साहिबजादी आतिका से शादी की। वो नहायत हसीन व जमील ख़ातून थी। अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी खुश शक्ल थे और वालदैन के साथ हुस्न सलूक में मुनफरिद थे। जब उन्होंने अपनी बीवी आतिका रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के साथ अज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो वो हुस्न व जमाल की उस फ़िक्र पर ऐसे शिदा हुए कि अहलिया से उनकी वालिहाना मोहब्बत नुक्ते उरूज पर जा पहुंची। वो हर वक्त अपने हरीम उल्फत ही में रहने लगे और उनकी अहलिया मोहतरमा उनके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने लगीं। मोहब्बत बड़ा अजीम और काबिल कदर जज्बा है, मगर रब्बे जमील की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत हद एतदाल से बढ़ जाए तो ये जज्बा मुजर साबित होता है। यही हालत हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर को भी पेश आई। वो अहलिया की मोहब्बत में इस कदर बेखुद हो गए कि बाज़ मामलात दीनिया में भी कोताही होने लगी और जिहादी मुहिम में भी सुस्ती आ गई। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु पर शाक गुजरी। चुनांचे एक मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, जाने पिदर, इस खातून ने तुम्हें हवास बाख्ता कर दिया है और तुम्हारे अकलो शऊर पर छा गई है, इसलिए मेरी राय यह है कि उसे तलाक दे दो। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये मेरे बस का रोग नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने तेरी तलाक की कसम खा ली है। उसमें शक नहीं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल अहलिया की मोहब्बत से सरशार था, मगर यही दिल था जिसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आदाब फरजंदी का सबक भी सीखा था। हज़रत इस्माईल ने वालिद ग्रामी के हुक्म पर अपनी गर्दन बेदरेग ज़ेरे तैग रख दी थी और जिस्म जान की आजमाइश में पूरे उतरे थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला को जिस आजमाइश का सामना करना पड़ा वो जिस्म व जान की नहीं, नहायत नाजुक जज्बात की आजमाइश थी। एक तरफ अहलिया की लाजवाल उल्फत और दूसरी तरफ वालिद माजिद का हुक्म। हज़रत अब्दुल्ला इस आजमाइश के पुले सिरात से आनन फानन गुजर गए। उन्होंने अपने जज्बात की शहरग पर छुरी फेरी, वालिद ग्रामी के हुक्म की तामील की और अहलिया को बिला तामुल तलाक दे दी। उन्होंने तलाक तो दे दी, मगर वो अपने टूटे हुए दिल को अहलिया की मोहब्बत से खाली ना कर सके। वो बदस्तूर उनके हुजरे दिल में मुकीम रही। ये सूरत हाल उन पर इतनी शिद्दत से असर अंदाज हुई कि वो जजा फजा करने लगी, किसी चीज़ का होश ना रहा, खाना पीना भी तर्क कर दिया। ये हालत देखकर लोगों ने अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु से शिकवा किया कि आपने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु को बर्बाद कर दिया, इस फैसले पर नज़रसानी फरमाएं। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का गुजर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास से हुआ तो उन्होंने ये दर्दनाक अशार सुने जो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु हर तरफ से बेखबर होकर अहलिया के फिराक में गुनगुना रहे थे। ऐ आतिका, जब तक सूरज किरण अफशानियाँ करता रहेगा और जब तक गले में हाला पहने हुए कमरी कबूतर नोहा खा रहेंगे, मैं तुझे भुला न सकूँगा। इस दौर में कोई मेरा सानी नहीं जिसने ऐसी मिसाली खातून को तलाक दे दी हो, ना उस जैसी किसी औरत को यूं बिला जुर्म तलाक दी जाती है। उम्दा इखलाक, बसीरत पर मबनी राय, बुलंद रुतबा, हया से मुजयन दिलकश खदुखाल, उम्दा कदुकामत और सच्चाई मबनी गुफ्तगू इस खातून के नुमाया औसाफ थे। चनानचे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु की हालत ज़ार पर रहम खाते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें आतिका रज़ी अल्लाहु अन्हु माँ से रुजू करने का हुक्म दे दिया और उन्होंने रुजू कर लिया। आतिका बिन्त ज़ैद बिन उमरू बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल अज़ीज़ महाजर ख़वातीन में से थीं। ये बहुत ही खूबसूरत और ज़हीनो फ़तीन थीं। उनकी शादी हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई। वो ग़ज़वा-ए-ताइफ़ में शहीद हो गए तो उन्होंने कसम खा ली कि अब शादी नहीं करेंगी।
मगर कफारा अदा करने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से शादी कर ली। उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु से शादी की। एक कौल ये भी है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से पहले उनके भाई जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे शादी की थी। जब जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए तो कुछ दिनों के बाद हजरत अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने आतका रजी अल्लाह अन्हु माँ को शादी का पैगाम भेजा, मगर उन्होंने ये कहकर शादी से माजरत कर ली, मुझे खौफ है मबादा आप भी कत्ल कर दिए जाएं जैसा कि मेरे सारे ही साबका शौहर कत्ल कर दिए गए। चुनांचे जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु के बाद उन्होंने शादी नहीं की। उनकी वफ़ात अमीर मुआविया बिन अबू सफियान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई ज़माने में हुई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की लाजवाल मोहब्बत की ये दास्तान ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह।